हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इंडिया जीके सीरीज में जो है आज आपके सामने जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर जो है वो प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 30 मार्क्स का जो है ये पेपर है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009। आंसर देखते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली इसमें ऑप्शन 2005 आ रहा है। एक्चुअली घरेलू हिंसा एक्ट जो है वो 2005 का है, ठीक है, लेकिन ये 2005 में पारित हुआ है और ये लागू जो है वो 2006 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। घरेलू हिंसा जो अधिनियम है वो 2005 में संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति से उसको मंजूरी मिली और उसको लागू जो है वो 2006 में किया गया। तो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। फिर है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान जो है वो हटा सकता है? विधानसभा, राज्य की संसद, राष्ट्रपति या कोई नहीं? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि राज्यपाल पूरी तरह से जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो राष्ट्रपाल राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा या संसद से जो है वो अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? तो जो भारतीय संविधान बना था, ठीक है, तो उसका जो मसौदा तैयार किया गया था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, स्पेशल कमेटी। तो उसका अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी सरदार पटेल, डी सरदार बलवंत सिंह। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने जो है ये जो भी भारतीय संविधान का जो भी मसौदा तैयार किया गया था, तो जो उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, विशेष जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, ये उसके जो थे वो अध्यक्ष थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो बी आर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के। ये हमें ध्यान में रखना है। काफी सारी समितियां बनाई गई थी, उसमें एक झंडा समिति भी थी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जो लोकसभा है वो कौन सी है? ठीक है, टोटल भारत में 552 सीटें लोकसभा की स्वीकृत है। ठीक है, चुनाव जो है वो ठीक है 543 के लिए होते हैं, दो जो है एंग्लो इंडियन चुन के, टोटल 545 कि वर्तमान में जो है लोकसभा उससे गठित होती है। ठीक है, इलेक्शन 543 के लिए होते हैं। ठीक है, 272 मेजोरिटी के लिए जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, बाद में दो जो है वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन चुनता है, पर संविधान के अनुसार 552 की व्यवस्था की गई है। तो सबसे बड़ी सीट एरिया वाइज कौन सी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी बाड़मेर, डी कच्छ। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख जो है वो भारत की सबसे बड़ी जो है वो लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र देखें तो लद्दाख का एरिया 1,73,000 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि ये हिमाचल से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो हिमाचल का जितना क्षेत्रफल है ना, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये उससे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, सिर्फ एक ही सीट है लद्दाख की, और इसके लिए 1,73,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि आप ये माने कि उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा इसको शामिल कर दें तब ये इतना बड़ा जो है, थोड़ा सा मतलब 4 राज्यों को या हम 3 राज्यों को शामिल कर दें, ठीक है, तब इतना बड़ा जो है ये लोकसभा क्षेत्र बनता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है राजस्थान का बाड़मेर, फिर तीसरे नंबर पर गुजरात का कच्छ आता है, अरुणाचल पश्चिम जो है वो 40,000 के साथ चौथे नंबर पे, और अरुणाचल जो ईस्ट है, 2 सीटें हैं टोटल अरुणाचल में। ठीक है, तो अरुणाचल की दोनों सीटें जो है वो चौथे और पांचवे नंबर पे आती हैं। लगभग 30,000 का एरिया जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का है। ठीक है,
तो वो भी टॉप 10 में शामिल है, मंडी लोकसभा क्षेत्र भी। तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है लद्दाख और दूसरे नंबर पे बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन ये निर्णय करता है कि राज्य में जो है विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? आपको पता है ना, हिमाचल में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, पंजाब में विधानसभा है, हरियाणा में विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद कहीं नहीं है। जैसे देश में लोकसभा है और राज्यसभा है, दो है सदन, वैसे ही कई जगह पे, कई राज्यों में, जैसे बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे विधानसभा भी है और अपर हाउस विधान परिषद भी है। तो जो विधान परिषद होती है उसके डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, ठीक है। तो विधान परिषद को किसी राज्य में बनाना है या नहीं बनाना है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस राज्य की विधानसभा या मुख्यमंत्री? आंसर देखते हैं। तो विधानसभा का जो गठन है, ठीक है, वो विधानसभा ही, विधान परिषद का जो गठन है कि किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, अपर हाउस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फैसला जो है वो उस राज्य की विधानसभा करती है, ठीक है। ये विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और उसको हटा भी सकती है विधानसभा। फिर सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? मतलब ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है देश का हाई कोर्ट है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा राज्य आते हैं? ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। आंसर देखते हैं। तो जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र वाला हाई कोर्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत चार राज्य आते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के चार राज्य हैं, तो उसमें आसाम आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल है और दो और राज्य आते हैं उसमें। पहले 7 राज्य आते थे, ठीक है, लेकिन बाद में 3 राज्यों में जो है वो हाई कोर्ट बन गया है अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के, तो फिर अब 4 राज्य हैं। अब जैसे आप देखेंगे कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार आता है, ठीक है, इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट तो खैर चलो वो सिर्फ पूरे यूपी का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ठीक है, आपको पता है ना संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल। जब संविधान का निर्माण किया गया 1950 में, तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और जोड़ी, टोटल 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड थी, ठीक है। तो टोटल 22 भाषाएं की बात की जाती है, तो उस समय कौन सी, अभी वर्तमान में कौन सी भाषा नहीं है इन 8वीं अनुसूची में? ठीक है, ए फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी नेपाली। तो आंसर देखते हैं, ठीक है, वर्तमान में जो है वो फारसी भाषा जो है वो नहीं है 8वीं अनुसूची में, बाकी सभी भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें ना 543 में से वो उत्तर प्रदेश में है, तो टोटल सीटें कितनी है? ए 80, बी 85, आंसर दे दिया है नीचे, सी 75, डी 100। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं इस समय, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में इस समय, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का जो है वो नाम आता है, ठीक है, 48 सीट है वहां पर, ठीक है, और इसी तरह से बिहार में 40 हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, तो 48 सीटों के साथ जो है वो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो 85 सीटें थी वहां पर, तो 5 सीटें जो हैं वो उत्तराखंड में चली गई, तो 5 सीटें हैं उत्तराखंड की और बाकी 80 सीटें रह गई हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है वो संशोधित नहीं किया जाता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा? तो जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, वो एक आधारभूत तत्व है संविधान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद किसे कहा जाता है, यानी कौन, किन 3 चीजों को मिलाकर या 2 चीजों को मिलाकर भारत की संसद बनती है? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा या मंत्री परिषद, सी लोकसभा राज्यसभा या प्रधानमंत्री, डी लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की संसद किसे कहा जाता है, क्योंकि कानून जो है वो संसद ही बनाती है,
ठीक है ना। तो अभी हम आंसर देखते हैं। पहले भारत की संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है भारत की जो संसद है वो बनती है, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ठीक है, तो ही वो कानून माना जाता है। तो इसलिए संसद में ये तीनों शामिल है। 14 सितंबर 1949 को जो है वो हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की राष्ट्रीय भाषा? आंसर देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को जो है वो हिंदी को जो है वो संघ की आधिकारिक भाषा जो है का दर्जा मिला था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, भारत नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, आई थी, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, तो जो भारत की संसद है तो उसमें कौन कौन जो है वो होगा? ए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, बी क्राउन लोकसभा राज्यसभा, सी क्राउन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट्स, डी क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो शामिल किया था क्राउन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर आज भी आप देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका में जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो वहां पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन्होंने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विचार वहां से लिया था, और हमारे देश में क्योंकि राष्ट्रपति उस समय नहीं था तो उन्होंने क्राउन को राष्ट्रपति की तरह जो है वो ट्रीट किया, ठीक है। अभी तो वर्तमान में संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से बनी है, पर उस समय उन्होंने क्राउन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो आइडिया दिया था। मतलब क्राउन जो है वो ब्रिटेन का, बाकी जैसा आइडिया वहां का था उस हिसाब से उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाई थी। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? आपने सुना होगा कि कोर्ट में रिट कर दी, ठीक है। तो रिट्स जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, लोअर कोर्ट्स में नहीं की जा सकती। जिला या जो उससे छोटे कोर्ट होते हैं वहां पे नहीं की जा सकती। रिट्स का जो प्रावधान है वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट्स जो है वो की जा सकती हैं। तो हाई कोर्ट में जो रिट है वो आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 2 भारतीय संविधान का आर्टिकल है वो, 222, 224, 226 या 228, अनुच्छेद 222, 224, 226, 228। तो जो अनुच्छेद 226 है, हाई कोर्ट में रिट्स उसके द्वारा की जाती हैं, ठीक है। 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जो है वो रिट की जाती है उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं अभी, भारत की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी केंद्र सरकार, सी उपराष्ट्रपति, डी संसदीय समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति। आंसर देखते हैं। तो जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यदि लंबित मामलों की संख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई प्रतिनिधित्व है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है, बी संविधान में संशोधन के द्वारा, सी संसद में अधिनियम द्वारा, डी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, ठीक है। तो संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन आंसर है, संसद जो है वो एक्ट पास करके हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और जो है वो जज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो द्विसदनीय विधायिका है वो किस सरकार की विशेषता है? जैसे द्विसदनीय मतलब कि जैसे भारत में जो है वो लोकसभा, राज्यसभा है, या अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, ठीक है। इसके अलावा जो हाउस ऑफ, जो यूके इंग्लैंड है जिसको यूके कहा जाता है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। इसी तरह से राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद है। तो जो ये द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि दो सदन की जो प्रथा है, वो किस सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार की विशेषता है,
जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसको राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है जो अमेरिका में है उसकी विशेषता है, संघीय प्रणाली की विशेषता है, संघात्मक सरकार जैसे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, या भारत में है, या फिर एकात्मक प्रणाली की विशेषता है जैसे इंग्लैंड में है, चीन में है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर जो है इसका है संघीय व्यवस्था। तो जो संघात्मक व्यवस्था जहाँ पे पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। जहाँ सेंटर पावरफुल होता है, स्टेट की कोई पावर नहीं होती, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था ही है एक तरह से, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस जो है वो राज्य में किया गया? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। आंसर देखते हैं, तो सबसे पहले केरल में जो है वो ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया 1982 में हुआ था। केरल के परूर विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया गया था 1982 में। फिर भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को? माफी देने की पावर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की पावर जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है? ठीक है, ए आर्टिकल 71, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 73, डी आर्टिकल 74। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है वो माफी देने की पावर सौंपी गई है? ठीक है, माफी देने की शक्तियां जो है वो किस आर्टिकल में है भारत के राष्ट्रपति की, जो माफी देने की जो के लिए जो सौंपा गया है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए बताता है? 71, 72, 73, 74। तो 72 जो है आर्टिकल, ठीक है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा माफी देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता की कितने समय बाद लग जाती है? ठीक है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लग जाती है? ठीक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कब लगता है? जिस तारीख से चुनाव शुरू होते हैं उसे 6 महीने पहले, जिस तारीख से चुनाव चुनाव शुरू होते हैं उससे 3 महीने पहले, जिस तारीख से चुनाव शुरू होते हैं उससे 2 महीने पहले, या उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है? तो आंसर देखते हैं, आंसर है ठीक है उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करता है, तब से भारत में जो है वो जो भी विधानसभा चुनाव में जब भी वो कोई भी मतलब चुनाव है तो आचार संहिता तब से लगती है जब से चुनाव की घोषणा की जाती है, उसकी डेट्स की घोषणा। फिर है, कौन सजा फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है? ठीक है, सजा माफ करने की पावर राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है, सजा माफ करने की पावर, लेकिन फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है? ए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, बी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों, डी सिर्फ राष्ट्रपति। फांसी की सजा को कौन क्षमा कर सकता है? तो आंसर देखते हैं, आंसर है इसका राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर है फांसी की सजा को क्षमा करना, बाकी और सजा जो है वो तो राज्यपाल भी जो है वो क्षमा कर सकता है। अगर किसी को हम गलत तरीके से हिरासत में रखा जाता है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जा सकती है? कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है? जो रिट्स हैं वो 5 तरीके की होती हैं, तो उनमें से 4 यहाँ पे दी गई हैं, परमादेश, ए, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, सी निषेध, डी अधिकार पृच्छा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में है, ये अनुच्छेद 32 में ये रिट्स दी गई हैं ये, ठीक है। इसके अलावा 226 में तो हाई कोर्ट में की जा सकती है, बाकी 5 रिट्स आर्टिकल 32 में दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये 5 रिट्स दी गई हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं, अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उसके खिलाफ जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबस कॉर्पस कहा जाता है वो वाली रिट जो है वो जारी की जाती है। अच्छा, इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ए चुनाव आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी नीति आयोग, डी वित्त आयोग। आंसर देखते हैं,
तो जो नीति आयोग है जो 2015 में गठित हुआ 1 जनवरी 2015 को, वो जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इससे पहले योजना आयोग था, उसका स्थान लिया है नीति आयोग ने। तो योजना आयोग भी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, ठीक है। चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, वित्त आयोग तो आर्टिकल 280 में है, ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल 312, 325, 26, ये सब चुनाव आयोग से रिलेटेड है। 312 जो है यूपीएससी, मतलब आप ये सारे जो आर्टिकल्स हैं जो संविधान में जिसके बारे में कहा, मतलब आर्टिकल मेंशनड है, वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं जिनका संविधान में वर्णन है। नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता को खतरा है, बी अगर सरकारी व्यवसाय करने के असाधारण खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो भी सरकारी खर्च है उसको पूरा करने के लिए, यदि मंत्रिपरिषद को कैग से रिपोर्ट मिलती है तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर अगर राज्य जो है वो राज्य की जो विधानसभा है वो बहुमत से सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो आंसर देखते हैं, आंसर है यदि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। देखिए जो वित्तीय आपातकाल है वो राज्यों में अभी तक नहीं लगाया जाता। आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो कि 3 बार लगा है, ठीक है, 62 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, ठीक है, इसके अलावा जो है सॉरी 62 की लड़ाई में, फिर 71 की लड़ाई में, और फिर 75 में लगा है, ठीक है। तो और इसके अलावा 356 में, आर्टिकल 356 में जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 360 के तहत लगता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व का खतरा है। और आज तक वित्तीय आपातकाल देश में कभी भी नहीं लगा। नेशनल इमरजेंसी तो लगी आर्टिकल 352 में 3 बार, लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। जिसको मनरेगा कहा जाता है, ठीक है, तो मनरेगा के शुरू करने के पीछे क्या लॉजिक था? ए मौलिक अधिकार को ध्यान में रख के मनरेगा शुरू किया गया था, बी मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख के मनरेगा शुरू किया गया था, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख के मनरेगा शुरू किया गया था, या डी इन तीनों को ध्यान में रख के शुरू किया गया था। आंसर है इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको ध्यान में रख के मनरेगा शुरू किया गया था, ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये बताते हैं कि राज्य को क्या काम करना चाहिए जनता की भलाई के लिए। फिर है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मतलब कौन सा ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जो बिना मुख्यमंत्री बने ही सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गया? ए मुरारजी देसाई, बी चंद्रशेखर, सी वीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ए मुरारजी देसाई, बी चंद्रशेखर, सी वीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव, ये चारों के चारों देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मुरारजी देसाई भी रहे हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, 1977 में बने थे। चंद्रशेखर 91 के आसपास बने थे, ठीक है। वीपी सिंह जो है 1989 में बने थे देश के प्रधानमंत्री जनता दल से, ठीक है, जब राजीव गांधी की सरकार गई थी। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक जो है ये रहे थे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक। और एक चीज, मुरारजी देसाई जो है वो गुजरात के सीएम रह चुके थे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के रह चुके थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रह चुके थे, चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री, डी न्यायाधीशों के कोलिजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। आंसर देखते हैं, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों के कोलिजियम के सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो न्यायाधीशों का जो कोलिजियम बनाया गया है वो कोलिजियम जो है कई सारे जजों का, वो उसकी सलाह के बाद जो है राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। हाँ, शपथ हाई कोर्ट के जजों को राज्यपाल दिलाता है,
और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, भीमराव अंबेडकर, वो संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए? संविधान सभा के लिए 1946 में जो इलेक्शन हुए थे, तो 1946 में वो कहाँ से चुने गए थे? ए यूनाइटेड प्रोविंस जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, बी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और जो और आसपास के इलाके उनको जोड़ के बनाया गया था, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसमें गुजरात भी शामिल था, डी पंजाब जो पूरा का पूरा पंजाब था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो बंगाल से जो है संविधान सभा के लिए चुने गए थे 1946 में, और बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी, ठीक है, जो बंगाल था वहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, और पंजाब में भी इसी तरह से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बन सकता है? जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम, ए ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाला कोई भी जज बन सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन, बी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज बन सकता है, सी भारत का जो चीफ जस्टिस है वो बन सकता है, या भारत का जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस है यानी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वो बन सकता है। तो आंसर देखते हैं, तो भारत का कोई भी रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, वो ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड, ठीक है, सिंपल जज नहीं। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 1993 में हुआ, और इसका जो चेयरमैन है वो बता दिया मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? आपको पता है ना, नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, ये तीन स्तरीय सिस्टम है, ठीक है। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ये जैसे हिमाचल में अब वर्तमान में दो नगर निगम है, पहले तो एक ही था शिमला, अब धर्मशाला को भी नगर निगम बना दिया गया है, बाकी सारी जितनी है वो नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। ए बॉम्बे, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी मद्रास। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास, ठीक है। तो भारत का पहला नगर निगम जो है वो सबसे पुराना नगर निगम है वो मद्रास का है, जिसकी स्थापना 1687 में हुई थी, यानी कि अंग्रेज 1699 में आए थे ये जब भी, तो लेकिन ये 1687 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अंग्रेज मतलब जो वास्को डिगामा है, ठीक है, वो मतलब जो भी यूरोपियंस हैं वो तो काफी पहले आ चुके थे, ठीक है, लेकिन जब तक अंग्रेजों ने जो पलासी काल युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध जो है 1757 और 64 का, उसके बाद ही भारत में जो है वो एक तरह से जो उनका जो है युग शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही जो है मद्रास जो है वो नगर निगम बन चुका था, ठीक है, 1687 में। फिर है प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई, ठीक है। प्रशासनिक प्राधिकरणों का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो ये ए 44 में, बी 41 में, सी 42 में, डी 44 में। आंसर देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की स्थापना वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई है, और 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसमें संविधान में संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए थे वो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ये भारत में आए थे 1600 में, ठीक है, स्थापना हुई थी और 1600 के आसपास भारत में आए थे, जो पिछले क्वेश्चन की मैं बात बता रहा था आपको, 1687 में जो है वो नगर निगम की स्थापना हुई है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।